मैं संजय सैनी, HOD इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। आज मैं आपको कलर टीवी के बारे में बताऊंगा। तो कलर टीवी का सबसे पहले हम लेंगे इंट्रोडक्शन। इसका जो कार्य करने का सिद्धांत है वो सुपर इंट्रोडाइन रिसीवर के ऊपर ही आधारित है। जैसा कि अपन ने हमने मोनोक्रोम रिसीवर में देखा था, केवल इसमें फर्क यह होता है कि इंटर कैरियर फ्रीक्वेंसी सिग्नल इज टेकन आउट फ्रॉम द लास्ट IF स्टेज इंस्टेड ऑफ आउटपुट ऑफ द वीडियो डिटेक्टर और वीडियो प्री एम्पलीफायर। तो डिटेक्टर और वीडियो एम्पलीफायर की जगह इसमें जो इंटर कैरियर फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, जो कि साउंड के लिए लिया जाता है, ट्रैप किया जाता है सिग्नल, वो हम लास्ट IF स्टेज से लेते हैं। और इसके अलावा इसमें एक फर्क और है, इसमें पाल कलर डिकोडर सर्किट यूज किया जाता है जो कि RGB कलर प्रोड्यूस करता है और जो पिक्चर ट्यूब की पिनों पर जाता है। तो ये तो बेसिक डिफरेंस है। हम देखते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम। तो ये ब्लॉक डायग्राम है कलर टीवी का। इसमें आप देख रहे हैं कि ट्यूनर सेक्शन है पहला तो है पिकअप एंटीना। एंटीना दोनों तरह के हो सकते हैं इसमें, VHF एंटीना हो सकता है और UHF एंटीना हो सकता है। ये ट्यूनर सेक्शन है। ट्यूनर सेक्शन के अंदर जैसे ही आपको पता है RF एम्पलीफायर होता है, मिक्सर होता है और लोकल ऑसिलेटर होता है। तो ये तीन अपन आगे पढ़ेंगे इसके बारे में ट्यूनर सेक्शन का। तो ये तीन हिस्सों में बना होता है और मिक्सर के अंदर जैसा कि आपको पता है लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी और सिग्नल फ्रीक्वेंसी आती है और ये दोनों का डिफरेंस जो है IF फ्रीक्वेंसी निकलती है इसमें। ये वेरियस IF स्टेजेस पे जाती है और जो है ये IF स्टेजेस में जाने के बाद यहाँ IF फ्रीक्वेंसी आ जाती है। और जैसे आपको पता ही है साउंड की IF 33.4 और पिक्चर की IF 38.9 होती है। इसके बाद ये वीडियो डिटेक्टर में जाती है। वीडियो डिटेक्टर हम आगे पढ़ेंगे अभी, जो कि जनरली एनवलप डिटेक्टर टाइप होता है जिसमें कि आप एक डायोड यूज करते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर साउंड के अंदर FM यूज करते हैं और पिक्चर के अंदर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज करते हैं। यहाँ पर पिक्चर डिटेक्शन के लिए हम वीडियो डिटेक्शन के लिए AM में जो काम आता है हम एनवलप डिटेक्टर वो हम यूज करते हैं डायोड यूज करते हैं। इसके बाद ये वीडियो प्री एम्पलीफायर में जाता है और उसके बाद सिग्नल आपके पावर एम्पलीफायर में चला जाता है। वीडियो पावर एम्पलीफायर वीडियो को सिग्नल लेवल बढ़ाता है। अब यहाँ पर जो है ये वायर सिग्नल है। वायर सिग्नल रेड, ग्रीन और ब्लू RGB सिग्नल का कॉम्बिनेशन होता है और डिले लाइन के थ्रू एडर में जाता है। अब डिले लाइन के यूज करिए हमने यहाँ पे, क्योंकि जो ये कलर सिग्नल है जो कि वीडियो एम्पलीफायर के पाल कलर डिकोडर से जा रहा है और फिर ये डिफरेंस सिग्नल क्रिएट कर रहा है R-Y, G-Y, B-Y और ये फिर वापस एडर में होता है। तो ये इसकी क्योंकि बैंडविड्थ कम होती है इससे प्रोपगेशन डिले आ जाता है। डिले होता है इसके अंदर, तो ये इसकी मैचिंग कराने के लिए आप वायर सिग्नल को थोड़ा डिले लाइन भेजते हैं तो ये वापस ऐड हो जाता है। तो R-Y+Y हो जाएगा इधर, तो रेड सिग्नल हो जाएगा। G-Y+Y हो जाएगा तो ये एडर के अंदर। ये ग्रीन सिग्नल हो जाएगा, B-Y+Y हो जाएगा तो ये वापस ब्लू सिग्नल हो जाएगा। और ये तीनों सिग्नल R, G और B है जो है ये पिक्चर ट्यूब, जो कलर पिक्चर ट्यूब होती है जिसमें तीन गन होती है तीनों गनों पे जाता है ये रेड, ग्रीन और ब्लू पे। और इसी तरीके से आप देख रहे हैं इसमें वीडियो डिटेक्टर से EGC ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल निकल रहा है जो कि IF स्टेजेस पे जा रहा है और ट्यूनर पे जा रहा है। और उसके बाद ये डिफ्लेक्शन सर्किट है। डिफ्लेक्शन सर्किट से पहले आपके सिंक सेपरेटर आ जाता है
उसके अंदर हम हॉरिजेंटल सिंक पल्स और वर्टिकल सिंक पल्स लेते हैं, और जो कि हॉरिजेंटल ऑसिलेटर और वर्टिकल ऑसिलेटर को सिंक्रोनाइज करता है। तो वहां से ये जो सिग्नल निकलता है वो वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉइल में चला जाता है योक पे, और हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन करंट पे चला जाता है योक पे। तो ये इस तरीके से ब्लॉक डायग्राम था। हम इसके अब आगे जो है इसके अलग अलग सेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है इसका ये आरएफ ट्यूनर, एंटीना से सीधा सिग्नल कहाँ आता है, आरएफ ट्यूनर पे आता है। तो अगर सिग्नल का लेवल आपका कम है, वीक सिग्नल है, तो आपको एक आरएफ एम्पलीफायर की जरूरत पड़ती है। आरएफ एम्पलीफायर सिग्नल के लेवल को बढ़ा देता है। और दूसरा इसका क्या इंपॉर्टेंस फंक्शन है, ये इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन भी करता है, इमेज फ्रीक्वेंसी को भी हटाता है। दो फंक्शन हो गए इसके। उसके बाद ये मिक्सर में जाता है, मिक्सर पे एक लोकल ऑसिलेटर कनेक्ट होता है, और उसके लोकल ऑसिलेटर और सिग्नल फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो कहलाता है आईएफ साउंड, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। और साउंड के लिए ये 33.4 मेगाहर्ट्ज होती है, और पिक्चर के लिए ये 38.9 मेगाहर्ट्ज होती है। आरएफ एम्पलीफायर, मिक्सर और लोकल ऑसिलेटर, ये तीनों गैंग्ड होते हैं, तो ये चैनल सेलेक्टर स्विच होता है। ये तीनों के रोटेशन एक ही नॉब से होता है, जिससे कि सिग्नल फ्रीक्वेंसी और लोकल फ्रीक्वेंसी के बीच में एक जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहे। और डिफरेंस क्या होता है, आईएफ फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये आरएफ ट्यूनर है। इसके बाद जो है ये आरएफ ट्यूनर के बारे में बताया गया है स्लाइड में, कि आरएफ ट्यूनर जो है कंसिस्ट सेक्शन ऑफ आरएफ एम्पलीफायर, मिक्सर एंड लोकल ऑसिलेटर। द पर्पस ऑफ ट्यूनर यूनिट इज टू एम्पलीफाई बोथ साउंड एंड पिक्चर सिग्नल पिकअप बाय द एंटीना एंड टू कन्वर्ट द कैरियर फ्रीक्वेंसीज एंड देयर एसोसिएटेड बैंड इनटू इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। जैसा मैं समझा चुका हूँ आपको, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी और साइड बैंड में कन्वर्ट कर देता है। द रिसीवर यूजेस सुपर एडवांस प्रिंसिपल एज यूज इन रेडियो रिसीवर। रेडियो रिसीवर में भी हम इसी तरह का ट्यूनर काम में लेते हैं। द सेटिंग ऑफ लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी एनेबल सेलेक्शन ऑफ द डिजायर्ड स्टेशन। लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को आप वेरी करके डिजायर्ड स्टेशन को आप ट्यून कर सकते हो। अब ये है वीडियो डिटेक्टर। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको, इसमें ये इसमें क्योंकि आप हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज करते हैं, तो यहाँ पर एक डायोड डिटेक्टर लगा हुआ है, जो कि हम एनवेलप डिटेक्टर भी कहते हैं। तो ये देखिए आप, इसमें डायोड नेगेटिव डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो क्योंकि इसमें नेगेटिव मॉड्यूलेशन हम यूज करते हैं, तो नेगेटिव पीक को ये ले लेता है। तो इस आउटपुट में देख रहे हैं आप, नेगेटिव पीक आ रहे हैं और पॉजिटिव पीक किसके हट गए हैं। तो क्यों हट गए, क्योंकि हम इसमें नेगेटिव मॉड्यूलेशन यूज कर रहे हैं। और ये फिल्टर सर्किट लगे हुए हैं C1 C2। इसके बाद इसमें एक ट्रैप सर्किट लगा हुआ है 5.5 मेगाहर्ट्ज़ इंटर कैरियर एफएम साउंड सिग्नल के लिए। तो ये जो है सिग्नल यहाँ पर ट्रैप हो जाता है, और ये जाता है आपके साउंड को जनरेट करने के लिए 5.5 मेगाहर्ट्ज़। तो ये वीडियो डिटेक्टर हो गया। नाउ वीडियो सेक्शन। वीडियो डिटेक्टर रिकवर्स CCVS सिग्नल, कंपोजिट कलर वीडियो सिग्नल, ल्यूमिनस सिग्नल, वाइज एम्पलीफाइड एंड इट इज डिलेड बाय डिले टाइम, सो इट रीचेस द एडर साइमल्टेनियस विद द क्रोमा सिग्नल। जैसे मैं बता चुका हूँ, इसमें बैंडविड्थ इसकी कलर सिग्नल की कम होती है, तो इसमें डिले आ जाता है। तो इसको जो वाई सिग्नल है उसमें एक डिले लाइन के तरह हो जाता है, तो ये दोनों के दोनों एक टाइम पे ही पहुँचते हैं। अगर इसमें डिले नहीं करेंगे तो वाई सिग्नल जल्दी पहुँच जाएगा। क्रोमा सिग्नल प्रोपोगेट स्लोली इन द कलर डिटेक्ट रिकॉर्डर ड्यू टू द लोअर बैंडविड्थ, है ना, एंड हेंस वायर सिग्नल हैज टू बी डिलेड। तो डिले किससे किया जाता है, ये डिले लाइन से ही डिले कर दिया जाता है। नाउ कलर डिकोडर। अब ये जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और जो कलर टीवी में मेन डिफरेंस इसमें है, तो वीडियो डिटेक्टर के बाद आउटपुट जो मिलता है उनको
color composite video signal, it goes to the video pre-amplifier, which amplifies the CCVS signal. The effective bandwidth of wire signal for the color receiver is about 3.13 MHz. और ये 1.3 MHz lower है, 4.43 MHz. Now, wire signal is separated from the color signal either by using a filter or preferably by a simple band pass filter to pass a bandwidth of 3.13 MHz. तो color signal को इस तरीके से हम कर लेते हैं, separate कर देते हैं, wire signal goes to the video power amplifier and sees goes to कलर डिकोडर. और यहाँ पर जो दो तरह के डिकोडर हम यूज करते हैं, कलर डिकोडर, एक तो सिंपल पाल सर्किट है और दूसरा है डिले लाइन पाल सर्किट. अब डिफ्लेक्शन सर्किट, डिफ्लेक्शन सर्किट जो है आर सिमिलर टू द मोनोक्रोम सिस्टम एक्सेप्शन द एडिशनल करंट फॉर रिमूविंग पिन कुशन इफेक्ट आर मेड अवेलेबल फॉर द डिफ्लेक्शन योग. तो पिन कुशन इफेक्ट जो होता है, कॉर्नर उसके टेयर हो जाते हैं तो वहां पर मैग्नेट लगाया जाता है योग पे, तो उससे वापस वो अपने एक्यूरेट जगह पे आ जाते हैं, इसका जो रास्टर होता है. तो ये पिन कुशन इफेक्ट है मेड अवेलेबल फॉर द डिफ्लेक्शन कोन. कलर पिक्चर ट्यूब रिक्वायर्ड फॉर दिस सेक्शन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द मोनोक्रोम पिक्चर ट्यूब. आपको पता है मोनोक्रोम के अंदर एक गन होती है, इसके अंदर तीन गन होती है. तो थ्री सिग्नल्स ड्यूली एम्पलीफाइड आर फेड टू द इनपुट ऑफ द थ्री इलेक्ट्रॉन गन ऑफ द कलर पिक्चर ट्यूब. तो तीन तरह की जो गन जो कलर निकलते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, तो ये तीन अलग अलग गन होती है. और ये किस तरीके से रहती है, ये जो है इसकी जो स्क्रीन पे स्ट्राइक करती है सीधी जाके, इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड बाय थ्री सिग्नल एंड ग्लो द थ्री फॉस्फोर डॉट. फॉस्फोर होते हैं, फॉस्फोरस के डॉट होते हैं स्क्रीन के ऊपर, और ये तीन जो फॉस्फोरस के डॉट होते हैं वो ग्रीन और रेड और ब्लू, ये कलर को पे जाके स्ट्राइक करते हैं ये गन. तो उस तरह के ये कलर. अब ये जो फॉस्फोर डॉट है डेल्टा फॉर्म में हो सकते हैं, तो दैट इज डेल्टा पिक्चर ट्यूब होती है. और ये तीन सीधी लाइन भी हो सकती है, दैट इज कॉल्ड PIL, प्रिसीजन इन लाइन पिक्चर ट्यूब, PIL. हम आगे पढ़ेंगे इन दोनों ट्यूब्स के बारे में. तो ये जब स्ट्राइक करते हैं तो तीन तरह के कलर प्रोड्यूस होते हैं. और अब हमारी आई जो है वो परफॉर्म करती है इसमें एडिटिव मिक्सिंग ऑफ द थ्री कलर एंड देयरफॉर सीज द ओरिजिनल कलर ऑफ द पिक्चर विच हैज बीन ट्रांसमिटेड. तो ये उसी प्रपोर्शन के अंदर स्ट्राइक करते हैं और इन तीनों का मिक्सर बन के डिजायर्ड कलर बन जाता है, जैसा कि आपने थ्री कलर थ्योरी में पढ़ा था कि आप रेड, ग्रीन और ब्लू को मिक्स करके अप्रोप्रिएट रेशो के अंदर इसको मिक्स करके आप जो है कोई सा भी कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो ये इस तरीके से इसमें आप देखें कि इसमें कोई सा भी कलर प्रोड्यूस हो सकता है. तो आपने यह देखा कलर टीवी का ब्लॉक डायग्राम, उसका रिसीवर सेक्शन पूरा आपने देखा कि इसमें ट्यूनर होता है, ट्यूनर के बाद आपके IF एम्पलीफायर, IF एम्पलीफायर के बाद वीडियो डिटेक्टर, वीडियो डिटेक्टर के बाद वीडियो एम्पलीफायर, और उसके बाद साउंड सेक्शन आपने देखा. साउंड सेक्शन वही होता है जो FM का होता है, और वहाँ पर लाउड स्पीकर लगा रहता है जो कि उसकी ऑडियो भी यूज होता है. और इसके अलावा देखा आपने कैसे हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन कॉइल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन सर्किट देखा आपने, जो कि सिंक सेपरेटर के थ्रू आते हैं. और ये हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन कॉइल योग के ऊपर जो हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन कॉइल होती है और वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉइल होती है उस पर जाते हैं. तीन इसमें कलर आ जाते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, जो कि फॉस्फोर जो डॉट होते हैं स्क्रीन के ऊपर उस पर स्ट्राइक करते हैं सीधे जाके, और वहाँ से आप जो उनका कम्बिनेशन होता है उस कम्बिनेशन से डिजायर्ड कलर फॉर्म हो जाता है. तो ये था आपका एक सिंपल आइडिया जो कि कलर टीवी का था, आपने इसको देखा. अब मैं आगे आपकी क्लास के अंदर में आपको इसकी पिक्चर ट्यूब की कंस्ट्रक्शन आपके कोर्स में जो है उसके बारे में बताता हूँ. थैंक्स अ लॉट, सुनने के लिए धन्यवाद.